reaction. Cannizaro condensation, Cannizaro reaction. तो इसमें जैसा कि आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बट इसमें कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ये कंडीशन इसमें रहेगी, कंसंट्रेटेड NaOH, ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहेगी. तो दोनों में डिफरेंस है, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन अगर आप देखें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन था और यहां पर था अब्सेंस या वीक बेस था, डाइल्यूट NaOH होता था, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. अब एक हम एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, दिस वन इज अ फॉर्मेल्डिहाइड. अगर फॉर्मेल्डिहाइड को आप कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं और अगर इतना आपको दे दिया जाए तो समझ लीजिए कि कैनिजारो रिएक्शन आपको दी हुई है, कैनिजारो कंडेंसेशन आपको दिया हुआ है. तो इसमें हमें क्या करना है, इसके कंडेंसेशन है तो इसके 2 मोल यहाँ पर यूज होते हैं और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के लिए जो है एज अ रिएक्टेंट की तरह काम करता है. एक मॉलिक्यूल का जो है इसमें ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो है रिडक्शन होता है. कैसे, देखिए प्रोडक्ट तो ये बनेगा, एक मॉलिक्यूल का जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा वो तो कन्वर्ट होगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और साथ में जो हम कह रहे हैं कि रिडक्शन होगा जिसका वो तो बन जाएगा आपका सी एच थ्री OH. तो ये कार्बोक्सिलिक कोई कंपाउंड बना, कार्बोक्सिलेट आयन आपके सामने है और ये प्राइमरी अल्कोहल टाइप का एक अल्कोहल हो गया CH3OH. तो इसमें एक मॉलिक्यूल जो है ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस हुआ है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ टाइप ऑफ द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये भी इसको बोलते हैं. Disproportionation reaction means है, one molecule is oxidized, another one is reduced. Now, what is the mechanism for this reaction? अगर इसकी आप mechanism देखें, तो mechanism काफी interesting है. पहले एक मोल से हम शुरू करते हैं, HC double bond OH. ये formaldehyde का एक मॉलिक्यूल आपने दिया, concentrated NaOH है, तो it means ये base की तरह काम करेगा, OH negative. OH नेगेटिव आप इसमें ले रहे हैं, OH नेगेटिव जो है अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया, इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह अटैक करेगा. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा किस तरह का, एच सी ओ नेगेटिव, ये एच हो गया और यहां पे लग गया OH. जो इस तरह का जो बना हुआ है अभी, ये सेकंड मॉलिक्यूल के साथ पे रिएक्ट करेगा, एच सी ओ नेगेटिव OH इज हियर, एच प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया. अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या करता है, इसमें यहां पर इंटरेस्टिंग है कि ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव आया मैंने इस तरह से हो गया, यहाँ पर 3 लोन पेयर हो गए इसके पास ऑक्सीजन के पास, ये अपनी जगह पर वापस आता है, ये नेगेटिव अपनी जगह वापस आया, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वापस कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए. तो जैसे ही ये कार्बोनिल कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर से एच जो है एज ए हाइड्राइड आयन वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल के पास में. तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि कैनिजारो की रिएक्शन में जो बेस्ट पार्ट है वो यही है यहाँ पर, क्योंकि जो ये एच नेगेटिव यहाँ पर से आउट हुआ है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास में गया, तो इसका माने इसने इस पार्ट ने इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइडर है.
तो ये जो H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव आपको मालूम है कि ये कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे एल्डिहाइड या कीटोन में, तो ये यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो ये मॉलिक्यूल कहाँ चेंज हो रहा है, देखिएगा एच सी सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इज ओ एच, ओके ये ओ एच हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट बना वो हो गया एच सी, यहाँ आ गया ओ नेगेटिव क्योंकि ये पार्ट ऊपर को आया, यहाँ पे एच और ये एच हो गया, जो इससे लगा हुआ ये एच नेगेटिव लग गया। तो ये आप देख रहे सी एस थ्री ओ नेगेटिव टाइप का आपका हो गया, ये एसिड हो गया। अब क्योंकि जो मीडियम है हमारा ये बेसिक मीडियम है, अब इन दोनों में आप देखते हैं ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपका एच पॉजिटिव जो है ये एल्कोक्साइड जो बना हुआ है, मिथॉक्साइड जो बना हुआ है उसको डोनेट करेगा। तो फाइनली जो है हम एक स्टेप और बना सकते हैं यहाँ पर ओ एच प्लस एच सी ओ नेगेटिव एच एच, यहाँ पर से एच प्लस जो है इसको दिया जाएगा और जो कंपाउंड हमें मिलेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव और प्लस जो है जो फाइनल बन गया वो बन गया सी एच थ्री ओ एच, ये जो सी एच थ्री ओ एच ये एच इसके पास आ गया क्योंकि ये एच प्लस इसलिए दिया कि ये एसिड है, ओके। अब इसी में आप देख रहे हैं कि पहले स्टेप में आपने देखा ओ एच माइनस जो लिया है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास में गया, तो इसका पार्ट एक बचा हुआ है जो एन ए पॉजिटिव है, जो एन ए वेज से आया हुआ है, तो यही एन ए प्लस से ट्रीट होकर के आपका कंपाउंड एक बन जाएगा एच सी ओ एन। इट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक मिलता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ यहाँ पे जो हम कहें फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट, और एक बन गया हमारा सी एस थ्री ओ एच। ये इस तरह से एक रिएक्शन है हमारे कैनिज़ारो। अब इस कुछ और हैं लेड की, अगर आप देखते हैं इसमें इसके अलावा दूसरा अगर एल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हम ले लेते हैं एक बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव इसकी जगह पर हम सी सिक्स एच फाइव ले लेते हैं, तो भी रिएक्शन सेम इसी तरह से आपको देखनी है क्या होगा। यहां पे हम ले रहे हैं सी सिक्स एच फाइव, इट मींस बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड अगर आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड पे अगर कंपेयर करें तो फॉर्मेल्डिहाइड ये बेटर तरीके से दे सकता है और थोड़ा बेंजल्डिहाइड पुअर तरीके से ये देगा, क्यों C6H5 का जो इफेक्ट यहाँ पर है ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसका इफेक्ट जो है प्लस एम होगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव डेंसिटी है वो थोड़ा कम होगी जिससे OH- आसानी से यहाँ अटैक नहीं करेगा। तो इसमें रिएक्शन को अगर आप मैकेनिज्म के रूप में देखें तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH पहले OH- इसमें अटैक करेगा, ठीक है पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ओ एच नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ नेगेटिव एंड दिस वन इज एच हियर इज ओ एच, ये बनेगा सेम जैसे आपने पहले किया। इसके बाद ये जो स्पीसीज आपकी बनी है ये दूसरे मॉलिक्यूल इसी का सेकेंड मॉलिक्यूल जो है सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच इसके साथ पे ये रिएक्ट करेगा। तो अब चेंजेस कैसे होते हैं, देखिए ये जो ओ नेगेटिव है ये हमने कहा कि वापस अपनी जगह पर आएगा और यहाँ पर से एच नेगेटिव निकल करके वो किसके पास चला जाएगा कार्बोनिल कार्बन के पास में, कार्बोनिल कार्बन का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये आ गया सी सिक्स एच फाइव सी ओ डबल बॉन्ड, ये हो गया ये ओ एच अपनी जगह बना हुआ है ये है और ये एच इसके पास आ गया तो ये बन गया हमारा सी सिक्स एच फाइव सी ओ नेगेटिव एच और ये एच आ गया। तो उसके बाद और चेंज करें अगर इन दोनों को आप ट्रीट करते हैं आपस में तो फाइनल जो मॉलिक्यूल हमारे पास में आएगा वो मॉलिक्यूल आएगा सी सिक्स एच फाइव ये एच प्लस इसके पास जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच एच एंड एच C6H5CH2OH, this one is the primary alcohol, 1 degree alcohol यहाँ पर बना, 1 degree alcohol, और ये carboxylate आयन आपके सामने है, benzoate, और ये benzoate जो है,
जैसा कि हमने यहाँ पर कहा OH नेगेटिव यहाँ पे है, OH नेगेटिव कहाँ से मिला आपको, एनी वेज से, तो ये एनी से रिएक्ट करके आपका क्या बना सकता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O Na बन जाए, तो इट्स वेरी इजी। तो ये तो हमने एक सिंपल वे में आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल आपने फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के लिए, तो उनके साथ में जैसे बेंजल्डिहाइड लिया तो C6H5 COONa और C6H5 CH2OH ये बना, और इसी तरह से फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो उसमें आपने लिया था HCOONa और CH3OH। अब अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों को ले रहे हैं, लेट की आपने मिक्स्ड कर लिया, इसको क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन आप बोल सकते हैं, इसी में अगर आप क्रॉस्ड कैनिजारो कर रहे हैं तो अलग अलग आप ले लेते हैं, तो देखिए वो और भी इंटरेस्टिंग है, इसी का क्रॉस्ड रिएक्शन अगर हम करें, क्रॉस्ड कंडेंजेशन, तो उसमें आपको क्या लेना है, एक लेना है C6H5C डबल बॉन्ड OH और एक ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में ये रिएक्शन करते हैं तो किसके साथ में पहले रिएक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप HC डबल बॉन्ड OH के साथ OH माइनस अटैक करेगा या C6H5C डबल बॉन्ड OH के साथ अटैक करेगा, तो इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट करेगा तो यहां पर जो पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव, और यहां भी शिफ्ट करेगा तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव किसमें ज्यादा है, जिसमें पॉजिटिव ज्यादा होगा उसी में OH नेगेटिव फास्ट अटैक करेगा, तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंट एक बार देखना पड़ेगा, यहां पर C6H5 है तो C6H5 का इफेक्ट होता है प्लस N, ठीक है ना, तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आता है इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा फिनाइल ग्रुप, तो इट मींस ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज की पॉसिबिलिटी रखता है, बट यहाँ पर पाई बॉन्ड जब आपका यहाँ शिफ्ट करता है तो यहाँ जैसे पॉजिटिव आता है तो यहाँ है आपके हाइड्रोजन, तो ये आसानी से इसको न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, तो इट मींस यहाँ पर पॉजिटिव की डेंसिटी हमारी ज्यादा है, दैट्स व्हाई बेस जो है पहले इस पे अटैक करेगा, तो जिसमें पहले बेस अटैक करेगा उसी से उसी का ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी, और जिसमें बाद में अटैक करेगा वो रिड्यूस होगा, तो इसमें देख लेते हैं पहला स्टेप जो होगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच माइनस इसमें ट्रीट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा ये यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा एच सी ओ नेगेटिव एच एंड दिस वन इज OH, जो आपने ये मिला ये बेंजल्डिहाइड के साथ पे ट्रीट होगा, तो बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH, तो जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा नेगेटिव चार्ज वापस इधर ऐसे आएगा आपका और यहाँ पर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, और हाइड्राइड जो है कार्बोनिल कार्बन में शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इससे क्या हो गया एच सी यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये एच यहाँ पहुंच गया तो ये चेंज हुआ आपका एसिड में एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हो गया, ये एच इसके पास आया तो यहाँ बन गया हमारा C6H5CO नेगेटिव एच एंड हियर ऑल्सो एच, ओके, तो C6H5C डबल बॉन्ड OH जो आपने लिया उसमें H नेगेटिव जो हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है वो यहाँ से हाइड्राइड आयन इसके पास आया तो हमें ये मिल गया, तो आप जैसा कि देख रहे हैं जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था जिसने कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट किया है OH माइनस को अपनी तरफ को OH माइनस कार्बोनिल कार्बन में एड हुआ है वो पहले यहाँ कन्वर्ट हुआ, तो ये जाकर के पहुंच गया है आपका यहाँ पे, तो इट मींस फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ये तो हुआ है ऑक्सीडाइज, इट मींस पहला मॉलिक्यूल इसका तो हुआ है ऑक्सीडेशन, ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, ओके, और इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें ये हमने यूज किया है यहां पे इसको हाइड्रोजन मिले हैं, इट मींस ये मॉलिक्यूल हुआ है आपका रिड्यूस्ड, तो ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ तो इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा भी आपको, ये देख रहे हैं आप C6H5CH2 अभी यहाँ OH कैसे आना है, इन दोनों को अगर आप ट्रीट करते हैं तो इसके बाद आपको मिलेगा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस ये एच इसके पास आ गया C6H5CH2OH,
तो बेंजाल्डिहाइड रिड्यूस्ड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल, व्हाइल फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एचसीओ कार्बोक्सिलेटाइन, और इसी में एनए पॉजिटिव अगर आप ले लेते हैं तो एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एनए, दिस वन इज द फाइनल कंपाउंड। ओके, तो इस तरह से ये कैनिज़ारो रिएक्शन आपके सामने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको हम बताएंगे वो है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन, CLEMENS, क्लेमेंसन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल कंपाउंड को आपने चेंज करना होता है अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, तो दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन में चेंज करें तो क्लेमेंसन रिडक्शन बेस्ट रिएक्शन एक है। इसके अलावा और भी है जिसको कि आप वोल्फ किस्नर बोलते हैं, उससे भी आप ये कर सकते हैं, बट दोनों में कंडीशन का अंतर है। जिंक अमलगम और अगर आप लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl, अगर इतना अगर कंडीशन दिया आपको, एसिडिक मीडियम अगर दिया है तो हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। ये कंपाउंड हम ले लेते हैं लेट CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये लिया हमने, और इसमें आपने ZnHCl तो लेना ही लेना है, ZnHCl, जिंक अमलगम और HCl, कंसंट्रेटेड HCl है, तो ये कंपाउंड जो है चेंज हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ओ यहाँ पे आ जाएगा, दोनों बॉन्ड जो है एच से सेटिस्फाई होंगे, CH3 CH2 CH3 प्लस जो है अलग हो जाएगा, H2 वगैरह बन जाएगा, तो इट मीन्स ये आपका प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, प्रोपेनोन से प्रोपेन। ये रिएक्शन एक क्लेमेंसन रिएक्शन के रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 पे, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, H प्लस का रिएक्शन होगा। ये H प्लस जो है आप जानते हैं ऑक्सीजन में जो है दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ एड होगा CH3C डबल बॉन्ड OHCH3 आएगा, और ऑक्सीजन में क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा CH3COH, और यहां पर आ गया पॉजिटिव, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH3। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव आ गया है तो हमें मालूम है कि इसमें जिंक पड़ा हुआ है, जिंक की टेंडेंसी होती है Zn2 पॉजिटिव में चेंज करना है। तो जिंक जब Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपके इस कार्बोनिल कार्बन जो हमारा पहले था उस पे आ जाए, तो इससे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये डॉट खत्म होगा, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आया तो ये बन जाएगा CH3COH, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आए और ये बन गया आपका इस तरह का एक कार्बेनाइन स्पीसीज। देन उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि मीडियम क्या है हमारा, एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर एच प्लस की रिएक्शन, तो ये H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, तो CH3COH H और ये आ गया CH, देन अगेन H प्लस की रिएक्शन होगी, ये H प्लस O पे अटैक करेगा, तो फिर बन जाएगा आपका CH3COH H पॉजिटिव, देन CH3 एंड H हियर, अगेन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, माइनस H2 होगा और आपको मिलेगा CH3CH CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ओके, देन अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ जिंक, एटम ऑफ जिंक, Zn2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लूज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके कार्बन पॉजिटिव पे, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH CH3, यहाँ पे आ गया आपके दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। आफ्टर दैट आप जानते हैं H प्लस एसिडिक मीडियम है, तो ये H प्लस यहाँ ऐड हो गया CH3CH H एंड CH3, तो इट मींस दिस वन इज द प्रोपेन। जो जहां जहां पे ये जैसे Zn2 प्लस है,
यहाँ पर HCl यूज हुआ है, एक Cl माइनस यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है, Zn, ये Zn, ये दो Zn, तो Zn यूज हो रहे हैं, और यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी एक Cl बचा हुआ है, जहां जहां Cl बचा हुआ है, एक Cl यहाँ मिलेगा बचा हुआ, H प्लस है, एक Cl माइनस, 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 इट मीन्स Cl, Cl, 2Cl बचे हैं, Cl, Cl, 2Cl बचे हैं, दो Zn2 प्लस बने हैं, तो इट मीन्स एक हमारा फाइनल जो है ZnCl2 भी बनेगा, जिसकी की दो मोल यहाँ पर अलग हो जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का मैकेनिज्म आपको क्लेमेंसन के अकॉर्डिंग बनाया। आप चाहे तो इससे एल्डिहाइड यहाँ पर लेकर के उसको भी बदल सकते हैं, अगर आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको चेंज करना है इस मेथड से, तो इसकी जगह पर आप क्या लगा देंगे, CH2 ग्रुप, CH2 को हम मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, CH3, CH2, तो यहाँ पर CH2 आ गया, एक H और है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस तरह से ये क्लेमेंसन रिडक्शन हमने आपके सामने। अनदर एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन, सपोज एक कंपाउंड आपके सामने है, साइक्लोहेक्सेनोन, अगर आपसे ये कहा जाता है कि साइक्लोहेक्सेनोन ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम एंड HCl, अगर इतना दिया है तो समझ लीजिए कि जो कन्वर्जन है वो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर है, तो कैसे इसको करेंगे, हाउ डू यू कन्वर्ट दिस वन, तो देखिए मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको बताते हैं, जो साइक्लोहेक्सेनोन है क्योंकि मीडियम दिया हुआ है एसिडिक, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसमें H पॉजिटिव का ट्रीटमेंट सबसे पहले करेंगे, और H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं लोन पेयर है, तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी, तो ये बन जाएगा पहले OH, और OH यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी बनाए रखते हैं, जो ये लोन पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने पहले हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन का चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हुआ, न्यूट्रलाइज होने के बाद जो यहाँ पर डॉट आया, उस डॉट और यहाँ पर जो डॉट बचेगा उनके बीच में एक बॉन्ड बना, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने जो है हाइड्रोजन को दिया है, दैट्स व्हाई गेट पॉजिटिव चार्ज, ओके। आफ्टर दैट दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव आता है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमें कुछ इस तरह का एक चार्ज डिस्पीसीज मिलेगा, OH है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये कार्बोनियम आयन जैसा बन गया है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, तो इसके बाद इसको ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, उसको कार्बोनियम आयन, ऑक्सीजन में पॉजिटिव ऑक्सोनियम, कार्बन में पॉजिटिव कार्बोनियम, अगर नाइट्रोजन में पॉजिटिव होता नाइट्रोनियम, तो इसके बाद आप देखते हैं कि क्या है, देखिए ZnHg जिंक अमलगम, जिंक और Hg को मिक्स करके बनाया, तो जिंक जो है मेटल है, तो जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, Zn अपना चेंज हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों को ये लूज करेगा, तो इट मींस माइनस टू ई नेगेटिव, इसने लूज की, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो लूज किए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर चले जाएंगे, जो कार्बन का पॉजिटिव है उस पे आ जाएंगे, तो जो पॉजिटिव कार्बन है उस पे क्या होगा, मतलब कार्बन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स काम किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ, तो इस पॉजिटिव कार्बन पर एक डॉट अगर आता है तो इसको न्यूट्रलाइज करता है, एक डॉट और आता है तो चार्ज क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, तो यहां पे बन जाएगा कुछ इस तरह से OH, दो डॉट और एक नेगेटिव, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों एक दो डॉट आए, क्यों एक नेगेटिव आया, क्योंकि एक डॉट ने ये पॉजिटिव खत्म किया और एक डॉट ने नेगेटिव चार्ज यूज कर दिया, तो ये आ गया। इसके बाद फर्दर आप देख रहे हैं जो मीडियम है वो मीडियम कैसा बना हुआ है, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम है तो इसके बाद आप H+ का यूज करेंगे, पहले एक H+ यूज हुआ है नंबर वन,
इसमें एक H प्लस यूज हुआ था, इसका मतलब एक Cl माइनस यहाँ बचा होगा, वो Cl माइनस अभी हमने Zn2 पॉजिटिव से जोड़ना है, अभी एक H प्लस और यूज किया तो इट मींस एक Cl माइनस और बना तो Zn Cl2 आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पर लगेगा तो ये आ जाएगा OH। यहाँ पे जैसे ही ये पॉजिटिव लगा तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो बाकी आप देख रहे हैं 1 2 3, तो एक H आया तो ये पूरा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो ये बन गया। अब साइमल्टेनियसली अब आपको क्या करना है, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है, तो इसके बाद एक H पॉजिटिव और यूज होगा, एक H पॉजिटिव यूज होगा तो एक Cl- इसमें आउट होगा, वो Cl- अभी आगे कहां यूज होना, देखिए ये H पॉजिटिव यहां पे लोन पेयर है ऑक्सीजन में, फिर से यहां यूज होगा तो ये आ जाएगा O H H और यहां पर आ गया पॉजिटिव और यहां पर तो H है। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया तो ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, तो नाउ अब आउट हुआ आपका H2, तो H2 आउट हो गया। H2 आउट होने के बाद जो स्पीसीज बनी वो एक कार्बोनियम आयन स्पीसीज फॉर्म करेगी, वो इस तरह का बन जाएगा पॉजिटिव, एक H यहाँ पर है, वो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, बट आप इंडिकेट कर रहे हैं तो H लिखना होगा। तो इस तरह से ये कार्बोनियम आयन एक बन गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर से रिपीट हो रहा, देखिए पहले हमने एक H प्लस यूज किया था, ये बना था, तो ये स्टेप यहाँ रिपीट हुआ है, क्लियर। अब जो H2 आउट हो गया, अब यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप रिपीट होगा, तो इट मींस यहाँ आएगा Zn को हमने चेंज करना Zn2 पॉजिटिव में, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, लूज होंगे, क्योंकि जिंक एक मेटल है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव कार्बन अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा। जब पॉजिटिव कार्बन को आप जो है दो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव न्यूट्रल होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन से जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस तरह से एक और स्पीसीज हमारी बनती है H, ये आ गया नेगेटिव, और Zn2 पॉजिटिव है वो अभी Cl नेगेटिव से मिलकर के Zn Cl2 बनाएगा। इसके बाद फर्दर जो है, क्योंकि H यहाँ पर कार्बन पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे हमें H प्लस का यूज करना है। H प्लस कहाँ से मिलेगा, जो बेसिक मीडियम ये एसिडिक मीडियम यहाँ पर है HCl, उससे मिलेगा। तो ये जो फाइनल कंपाउंड फॉर्म करेगा वो इस तरह से बन जाएगा, एक H पहले से है, एक H और यूज होगा, मतलब यहाँ से मिल जाएगा, तो इस तरह से ये हमें जो साइक्लोहेक्सेनोन था, साइक्लोहेक्सेनोन यहां से पहुंच गए हम साइक्लोहेक्सेन, यहां तक पहुंच गया। तो ये जो है आपका कार्बेनाइन स्पीसीज, कार्बेनाइन, तो कहीं पर कार्बेनाइन बन रहा है, कहीं पर कार्बोनियम आयन, जैसे ये बना कार्बोनियम आयन देन कार्बेनाइन, फिर यहां पे एक स्पीसीज बनी ऑक्सोन देन कार्बेनाइन, ये कार्बोनियम आयन देन कार्बेनाइन, इस तरह से अल्टरनेशन में कुछ बन रहा है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन जो डबल बॉन्ड ओ था उसकी जगह पर हमारा आ गया CH2। ओवरऑल जो है जो क्लीमेंसन रिडक्शन है उसका यूज किया जाएगा कहीं पर भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कि इस तरह से बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हमने किसमें चेंज कर देना है, शॉर्ट एंड समराइज अगर हम इसको कर लें तो ये यहां पे हो गया CH2, ये है कार्बोनिल कंपाउंड और दिस वन इज हाइड्रोकार्बन और एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एनी कार्बोनिल कंपाउंड इनटू द हाइड्रोकार्बन और एल्केन। ओके, तो ऐसे ही अगर और भी कोई दिया हुआ है आपको, लाइक अगर हम सिंपल बोलें कि एच सी डबल बॉन्ड हो एच को चेंज करना है तो चेंज इसको भी किया जा सकता है, यहाँ पर CH2 आ जाएगा तो ये तो CH4 में बदल सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जगह पर ये दो, ये समझ लीजिए कि ये एच ये एच, तो ये बन गया आपका CH4। तो शॉर्ट में अगर इसको बोला जाए CH3 C डबल बॉन्ड हो अगेन,
ये बॉन्ड हटाया आपने, ये दोनों के साथ में एच जोड़ दिया तो ये CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि ये बना हुआ। तो पहले पूरा मैकेनिज्म आपको समझना है, जितना स्टेप इसका है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, देन फाइनली इलेक्ट्रॉन। जब 8 स्टेप आपकी समझ में आ गए हैं तो एक शॉर्ट समरी आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आपने केवल जो है डाइवेलेंट को हटाया और उसकी जगह मोनोवेलेंट के 2 लगा दिए, बस दैट्स ओके। तो अगर कहीं पर कंपटीशन के एग्जाम में अगर तुरंत इस तरह से आपको देना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, तो तुरंत अगर आपको समझ रहे हैं तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाए ओके। तो इस तरह से हमने आपको क्लेमेंसन जो रिडक्शन था वो क्लियर किया। नाउ इसके बाद दूसरा एक रिडक्शन और है, उसको हम क्लियर करेंगे।